आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है और पिछले बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज मैं ये बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आई हूँ और होप करती हूँ कि आपका बहुत सारा प्यार मेरे वीडियो को मिलेगा। तो ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बहुत ईजी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, मैंने क्या क्या लगाया है, क्या क्या यूज किया है, तो आपको वीडियो में आगे देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना न भूलें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो गाइस, इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्लॉलेस बेस, जिसके लिए मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। डॉट डॉट्स करके मैंने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया है उसको, बहुत रगड़ना नहीं है आपको, हल्के हाथों से ही करना है। और यहाँ पर मैंने प्राइमर ले लिया है। प्राइमर गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी आप मत स्किप करो, क्योंकि आगे जो भी प्रोडक्ट्स हम अपने फेस पे यूज करेंगे ये उनको हमारे पोर्स में जाने से रोकेगा और फिर एक्ने वगैरह हमारे फेस पे नहीं आते हैं, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए इसको अच्छे से प्रेस करके, इसको रगड़ना नहीं होता है, प्रेस करके अपने स्किन में ऑब्जर्व करना होता है। अब यहाँ पर मैंने लिप बाम लिया है हिमालय का, जिसको मैं अपने लिप पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और उसके साथ ही साथ मैं मसाज भी करूँगी ताकि जब तक मैं बाकी मेकअप ख़त्म करूँ मेरे लिप बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएँ। अब यहाँ पर मैंने कलर कैरेक्टर लिया है, ये ऑरेंज कलर का मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़े से चिन एरिया में ब्लैकनेस है और आँखों के नीचे भी है थोड़ा सा। तो अगर आपके पास कलर कैरेक्टर नहीं है तो आप कोई भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से पैक कर रही हूँ ताकि ये मॉइस्चराइजर फाउंडेशन लगाने के बाद उसमें मिक्स ना हो। अब यहाँ पर ये फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं, डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैंने फैला लिया है, फॉरहेड पर भी हर जगह आपको लगा लेना है। और उसके बाद हल्का सा आप पहले हाथों से अपने स्प्रेड करेंगे, हल्के हाथों से, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एकदम ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर और आप पूरे फेस पर डैब डैब करके अच्छे से लगाएंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर को लगाने के पहले आप पानी में डाल देंगे थोड़ी देर, जब वो डंप हो जाए उसको निचोड़ के आपको यूज करना होता है। अब ये कंसीलर ले रही हूँ मैं, कंसीलर का काम होता है हमारे फेस को हाईलाइट करना, तो हाईलाइटिंग एरिया में आप उसको लगा सकते हैं, और जहाँ पे आपके डार्कनेस है वहाँ भी आप इसको प्लेस करना न भूलें। जैसे चिन एरिया में डार्कनेस है मेरे, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अंडर आई पे, अपर लिप पे। अब आईलिड पे भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आई शेडो आपका पॉप अप नहीं आएगा अगर आप नहीं लगाएंगे। तो फिर भी मैंने इसको भी मैंने उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब डैब करके मिक्स किया है फेस पे। आपको रगड़ना नहीं है बिल्कुल, बस जिस जगह पे आपने लगाया है उसी जगह पे आपको डैब डैब करना है। और ये अब पैक करने का टाइम है, तो मैं कॉम्पैक्ट से पैक कर रही हूँ पूरे मेकअप बेस को। आप चाहें तो लूज पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब ये आईब्रो डिफाइनर है जिससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, हल्के हल्के स्ट्रोक देते हुए, बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक देने हैं जिससे कि आपका आईब्रोज नेचुरल लगे। और अब ये मैंने ब्लू कलर का, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का लिप पेंसिल लिया है, आई पेंसिल लिया सॉरी, और जिसको मैं अपने लीड पर अच्छे से फैला रही हूँ। बहुत मोटी लाइन नहीं आपको बनानी है, बहुत हल्का सा ही फैलाना है, क्रीज पे नहीं जाना है आपको। और उसके बाद एक क्यूपिड बो की हेल्प से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, उसी जगह पर स्मच करते हुए ब्लेंड करिए ताकि पूरा कवर, मतलब जितना भी कलर आपने वहाँ प्लेस किया है वो सब इवन हो जाए, ये ना लगे कि बस रखा हुआ है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैंने आई शेडो पैलेट लिया है जिससे मैं इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का ही शिमरी कलर ले रही हूँ, और उसको उसी जगह पर प्लेस करूँगी उंगलियों की हेल्प से ही, जहाँ पर मैंने ब्लू कलर की पेंसिल लगाई है, ताकि थोड़ा सा शिमरी लुक आ जाए। आपको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लगाना है। अब ये ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है मैंने, और उसको मैं क्रीज एरिया में लगा रही हूँ जिससे कि एक डेफिनेशन आ जाए मेरे आईज में। अब ये वाइट काजल का यूज कर रही हूँ मैं, ब्लैक नहीं लगाया मैं, आप चाहें तो ब्लैक लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं तो मैं वाइट काजल ही लगाई हूँ। अच्छे से दोनों लोअर लेस पे आपको लगा लेना है वाइट काजल। और अब यहाँ पर मैंने जेल आईलाइनर का यूज किया है जिससे मैं अपनी आईलाइनर लगाऊंगी। एक पतली लाइन ही बनानी है आपको, बहुत चौड़ा नहीं जाना है, बहुत हल्का सा, आप चाहे तो हल्का सा विंग भी निकाल सकते हैं। फिर मस्कारा का यूज किया है मैंने। अब ये स्विस ब्यूटी का
कॉन्टोर पैलेट है जिसमें से ब्राउन कलर का शेड लेके लाइट ब्राउन कलर का मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अपने जो कान के पास से आपको लेके होंठ के मतलब अपने लिप्स के पीछे पीछे तक आपको आना है, जहाँ पे आप ब्लश ऑन लगाते हैं जस्ट उसके नीचे अप्लाई करना है। और नोज एरिया में भी आपकी अगर नाक बहुत चौड़ी है तो आप उसको लगा सकते हैं, जॉ लाइन पे लगा लीजिए। ये एक्चुअली आपके फेस को थोड़ा सा मतलब फ्लैट नहीं दिखाता, एक स्ट्रक्चर बन जाता है आपके फेस पे। अपने फोरहेड पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपका माथा बहुत छोटा है तो उसको आप बड़ा बना सकते हैं, अगर बड़ा है तो उसको आप अच्छा कर सकते हैं कॉन्टोरिंग करके। और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, जिस एरिया में आपने लगाया है उसी एरिया में उसी जगह पर आपको ब्लेंड करना है, फैलाना नहीं है। अब ये पिंक कलर का ब्लशर यूज कर रही हूँ मैं, स्माइल करते हुए अपने चीक एरिया में अच्छे से लगा लेना है हल्के हाथों से। अब ये हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं, जहाँ पे आपने ब्लश ऑन का यूज किया है जस्ट उसके ऊपर इसको प्लेस करना है। ब्रिज ऑफ द नोज पे लगा लीजिए, क्यूपिड बो पे लगाइए, चिन एरिया में लगा लीजिए, फोरहेड पे लगाइए, जिससे कि आपके फेस पे एक अच्छा सा लुक आ जाता है, एक शाइनी लुक आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे तो ये बहुत पसंद है अपने फेस को हाईलाइट करना। और अब पूरे फेस को मैंने डस्ट आउट कर लिया है ब्रश लेके, जिससे कि अगर कुछ भी कहीं एक्स्ट्रा आ गया हो या गिर गया हो तो हट जाए। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ एक पतले से ब्रश की हेल्प से। अब अपने ब्रॉ बोन के ऊपर लगा रही हूँ मैं हल्का सा। अब ये लिप लाइनर का यूज कर रही हूँ मैं, पिंक लिपस्टिक लगाया है, यहाँ पर मैंने दो लिपस्टिक का यूज किया है,